गोस्वामी तुलसीदास का स्मरण भारतीय संस्कृति सभ्यता के उत्कर्ष को छूना है। उन्होंने न केवल स्वयं छुआ वरन उन्होंने हम सबको भी उस उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का अवसर दिया। आप कल्पना करिए कि कोई काव्य कृति किस तरह से संपूर्ण भारतीय परंपरा का न केवल आत्मसातीकरण करती है वरन अपनी ओर से कुछ मौलिक स्थापनाओं के साथ आगे भी बढ़ाती है। गोस्वामी जी इसी प्रकार के मंगल भवन अमंगल हारी, ये केवल राम जी नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी भी है। जब हमने कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी तो तुलसीदास जी स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी, उनकी वाणी मंगल भवन अमंगल हारी। ऐसा कोई पद, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई शब्द वर्ण नहीं है जिसको उन्होंने गहरी तन्मयता से उद्घाटित न किया। अतः तुलसीदास जी से जुड़ना एक तरह से भारत की आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संपूर्ण प्रकार की दुनिया से जुड़ना है। वे विश्व कवि हैं, दुनिया के 100 से अधिक देशों में बसे हुए लगभग 4 करोड़ भारतवंशी आज यदि भारतीय संस्कृति से अपना संवाद कायम रख पा रहे हैं तो एकमात्र तुलसी के माध्यम से संभव हुआ है। ऐसे स्थान जहाँ पर कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तुलसी वहाँ गाय सुनाए जा रहे हैं। वो कहीं मॉरिशस में गाय सुनाए जा रहे हैं, कहीं गुआना में सुनाए जा रहे हैं, कहीं सूरीनाम में बैठ करके कोई व्यक्ति तुलसी के न केवल विभिन्न रचनाओं को गायन कर रहा है वरन बीच बीच में जीवन के संदेशों का भी वह कहीं न कहीं प्रवाहित रूप हमारे मध्य प्रस्तुत कर रहा है। तुलसी के संपूर्ण जगत को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि तुलसी ने इस जगत को भी उतना ही मूल्यवान, महत्वपूर्ण और हम सभी के लिए सार्थक माना है जितना अध्यात्म की दुनिया परब्रह्म को महत्वपूर्ण मानती है। इसलिए शंकर का जो अद्वैत वेदांत है वो उनके यहाँ आता है, उतरता है, लेकिन जब तुलसी उसको अपने अंदर आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाते हैं तो उनके यहाँ पर मायावाद का खंडन होता है। उनके यहाँ पर जगत के मिथ्यात्व की जो परिकल्पना शंकर वेदांत में है उसका खंडन होता है। प्रेमम पुनर्थो महान, यह जो उद्घोष जब इस देश में होता है तो इस देश की तस्वीर बदल जाती है। जब वो प्रेम भक्ति की चर्चा जन सामान्य में जो पहले से थी उसे कविगण और उसके साथ साथ आचार्यगण करने लग जाते हैं तो यह भारत की जो सामाजिक स्थिति बदलने लग जाती है। हरि व्यापे सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी वो कहते हैं कि यह जो ब्रह्म है यह रूप से बंधा है और उस रूप की कोई सीमा नहीं है। अतः हमें देखना होगा कि तुलसी की भक्ति किस तरह से अद्वैत वेदांत की सीमाओं को न केवल तोड़ती है वरन बहुत सारे नए संदर्भ वहाँ पर उद्घाटित होते हैं। शंकर वेदांत त्याग मार्गी है लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी त्याग मार्गी नहीं है, वे राग मार्गी है और त्याग मार्ग से परे वे हमें राग का जो अत्यंतिक निषेध करने की चेष्टा पूर्व के लोग कर रहे थे उसका वे खंडन करते हैं। वे प्रेम भक्ति की अवधारणा को केंद्र में लेकर के आते हैं। प्रायः सभी वैष्णवाचार्यों ने शंकर वेदांत और मायावाद का खंडन किया। उस परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यावहारिक धरातल पर कथा और आख्यान सूत्रों के आलोक में उसी का खंडन करके और हम सबके समक्ष एक नए प्रकार का दर्शन का प्रादर्श रखा जिसे मैं कहता हूँ कि वे राम मार्गी रचनाकार हैं। उनका दर्शन राम मार्गी है और राम मार्गी जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत व्यापक अर्थों को लिए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि राम यदि है तो वो संसार से पार नहीं हो सकते। राम का होने का मतलब ही है कि संसार के साथ संवाद कायम करना, और हम सबका संवाद यदि संसार से कायम हो गया तो इसका मतलब है कि राम से हमारा संवाद कायम हो गया।
इस तात्पर्य में उन्होंने संकेत दे दिया, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुपानी। तुलसी औपनिषदिक परंपरा, वेदांत दर्शन की परंपरा और उसके साथ साथ लोक में प्रवाहित भक्ति की परंपरा का समन्वय करते हैं और संकेत देते हैं कि यह जो भ्रम जाल फैलाया गया लोगों के द्वारा कि एक सगुण पथ पर चल रहा है और एक निर्गुण पथ पर चल रहा है, इनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और हमारा संकट हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास में वो क्षण निश्चित तौर पर संकट का क्षण उपस्थित करने वाला क्षण हुआ, जबकि यह इस प्रकार की भेद दृष्टि हमारे यहाँ उत्पन्न कर दी गई। तुलसीदास जी के यहाँ पर सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा गावै मुनि पुराण बुध वेद। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सुख। जो अलक्ष्य है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो अरूप है, जिसका नाम भी नहीं स्पष्ट है, वह जब प्रेम भक्ति के वश में आ जाता है तो उसके बाद जो है भक्त जो है उसका जीवन धन्यता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उनके दर्शन को छूना, उनकी ब्रह्म दृष्टि को छूना, उनके जगत विचार को छूना बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्षों की ओर ले जाता है। वे संकेत करते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नाम दूते किए जेही जुग निज बस निज पूते। आप देखिए ये तुलसी की दृष्टि, ये तुलसी का दर्शन है कि केवल आप अगुण और केवल आप सगुण इसके भ्रम जाल में न उलझे, क्योंकि निर्गुण और सगुण जो ये ब्रह्म के दो रूप हैं, लेकिन दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं, किंतु तुलसी की सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिस नाम की चर्चा गुरु नानक देव कर रहे हैं, जिस नाम की चर्चा कबीर कर रहे हैं, जिस नाम की चर्चा भक्त शिरोमणि संत रविदास जी कर रहे हैं, उसी परंपरा में तुलसीदास जी संकेत दे देते हैं कि यह जो नाम ही है, जो अगुण और सगुण दोनों जो अकथनीय और अगाध है, उससे ऊपर ले जाने का कार्य करता है, उस इसके बल से हम दोनों को अपने वश में कर सकते हैं। नाम के माध्यम से हम अगुण को भी वश में कर सकते हैं और सगुण को भी वश में कर सकते हैं। पौड़ी सुजन जनी जानही जन की कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। और आप देखिए कि बहुत सुंदर जीवन से उदाहरण उठाते हैं, कहते हैं एक दारुगत देखी है कहूं पावक सम जुग ब्रह्म विवेक। हम ब्रह्म में पढ़ते हैं कि जब कभी अग्नि जो है प्रज्वलित की जाती है अग्नि मंथन के माध्यम से, काष्ठ के माध्यम से, उस समय जो वेदज्ञ है वो जब उस यज्ञ की संविधा को तैयार करने के लिए उस काष्ठ का मंथन करते हैं तो काष्ठ में ऊपर से तो कोई अग्नि नजर नहीं आती, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से उसी काष्ठ में से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार की स्थिति इस संसार में ब्रह्म की है। वह हम आप सब में कण कण में और कण कण से परे जो वैक्यूम है, जो बीच का अंतराल है, उसमें भी वह अंतर्निहित है। अतः हमें देखना चाहिए कि एक दारुगत देखी एकु पावक सम जुग ब्रह्म विवेक। इस गहरे अर्थ में तुलसी को हमें देखना चाहिए। इस समय में तुलसी की आवश्यकता न केवल भारतीय समाज में बढ़ती जा रही है वरन संपूर्ण विश्व में बढ़ती चली जा रही है। एक रूप वह है जो हम सब में छुपा हुआ है, उसके बावजूद भेदभाव की संस्कृति, कुसंस्कृति कहूँगा, भेदभाव की कुसंस्कृति पैर पसार रही है। हम कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्रीयता के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर, और तो और समान नस्लों के बीच में भी प्रभुत्व के नाम पर विद्वेष चल रहा है। यूक्रेन और रूस ही नहीं लड़ रहे हैं, दुनिया के कई देशों को उन्होंने अपनी आग में समेट लिया है। ऐसे में हमें देखना होगा कि यदि तुलसी का दर्शन, तुलसी का चिंतन यदि लोग जनीन हो जाए तो यह जो भ्रमजाल है ये समाप्त हो जाए। अतः तुलसी का ब्रह्म विचार हो, तुलसी की माया विषयक दृष्टि हो, तुलसी का जगत विचार हो, तुलसी का जीव विषयक दृष्टिकोण हो, यह एक तरह से
हम सबके मध्य नए प्रकार से इस दुनिया को देखने की दृष्टि देते हैं। उनका दर्शन आगम सम्मत अद्वैतवाद है, उनका दर्शन भक्ति परक अद्वैतवाद है, उनका दर्शन राम का दर्शन है। श्रद्धा विश्वास पर आधारित अध्यात्म पथ पर ले जाने की कोशिश वे करते हैं और बहुत सुंदर संकेत जो है वो एक स्थान पर कर रहे हैं। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। आप देखिए किस सुंदर रूप में उन्होंने विवेचना दी है कि माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है वो ब्रह्म है। ब्रह्मादि देवता और असुरगण आदि जिसकी सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत जो है वह सत्य ही जिनको प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने वाले की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर यानी सब कारणों के कारण सर्वोत्कृष्ट राम कहलाने वाले भगवान हरि को मैं नमन करता हूं। अब आप देखिए कि इन पंक्तियों से एक तरह से तुलसी का समग्र जो दृष्टिकोण है वो हमारे समक्ष आ जाता है। राम की शक्ति है तो सीता है, उनमें दोनों में अभेदत्व है और राम की इच्छा मात्र से यह संसार है। साधारण संसारी जन जो है वे शरीर धारण नहीं करते, राम और सीता उस तरह से शरीर धारण नहीं करते, किंतु भक्तों के वशीभूत होकर वे कवि कौशल्या नंदन या दशरथ नंदन के रूप में हमारे मध्य आते हैं, उधर जानकी जो है वो जनक सुता के रूप में हमारे बीच में आ जाती है। तो ये उनकी अभिलाषा नहीं है, ये हम सबकी अभिलाषा है कि इस धरती पर राम और सीता प्रकट हो। वो शिव और शक्ति के रूप में हम मानते हैं कि वो भ्रमणशील हो, जैसे हर गौरी जो है भ्रमण करते रहते हैं संसार की सुरक्षा के लिए और कल्याण के लिए। अतः सत तम और रज इन तीनों गुणों से परे है वे, कर्म बंधन से परे है वे, संसार को मार्ग दिखाने के लिए वे नर लीला करते हैं। अतः रामचरितमानस लौकिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं के मध्य सेतु बनाने का अभूतपूर्व प्रयास है। यद्यपि उनके पहले भी राम परक लेखन हुआ है, लेकिन तुलसी जो है उनको जिस रूप में हमारे मध्य प्रस्तुत करते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, कौशल्या की गोद में आकर के और वो किलकारी करने लगते हैं, आंगन में जो है विहार करने लगते हैं। तो ऐसे कौशल्या के आंगन में विहार करने वाले मंगल भवन अमंगल हरि द्रवंश दशरथ अजीर विहार। अजीर का तात्पर्य है आंगन, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले जो राम है वो हम सब पर द्रवित हो जाएं, हम सबका कल्याण कर दें। इस तात्पर्य में तुलसी ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्यापक संकल्पना के आगे जाकर के भक्ति की जो बहुत बड़ी महिमा भक्तों ने आचार्यों ने प्रतिपादित की उसको न केवल सामान्य सिद्धांतों के माध्यम से प्रकट किया वरन आख्यान के माध्यम से उन्होंने साकार करके दिखा दिया, संकेत दे दिया कि धर्म ही जो है वो संसार का मेरुदंड है, उसी पर ये दुनिया जो है आधृत है। धर्म तड़ाह ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विध से विध न, सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये ओक अनोखा। तो तात्पर्य है कि धर्म की अवधारणा हो, राम से संबंधित परात्पर ब्रह्म रूप में राम को देखना हो, सगुण रूप में राम को देखना हो, लीला अवतार के रूप में राम को देखना हो, नामस्मरण में राम की महिमा हो, तुलसी ने बहुत व्यापक संकल्पना के साथ वेदांति औपनिषदि और लोक दर्शन इन सबका समाहार करते हुए एक ऐसा दर्शन दे दिया है जो वर्तमान विश्व ही नहीं युग युगीन विश्व के लिए न केवल उपादे रहेगा, वह भटकती हुई मानवता को मार्ग देने के दिखाने के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आकर 484 जाति जीव जल धन नभवासी सिय राम में सब जग जाए। आप देखिए कुछ बचाए क्या, ब्रह्मांड का कोई कोना नहीं है, ब्रह्मांड का कोई कण नहीं है जो राम से परे हो। अतः इस संपूर्ण ब्रह्मांड से प्रेम करना राम से प्रेम करना है,
राम से प्रेम करना, अखिल ब्रह्मांड से प्रेम करना है। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।